वेलकम टू एफडीसी सी एम मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक वेक्टर एल्जेब्रा में पढ़ने वाले थे। आज कोलिनियर वेक्टर पढ़ेंगे। कोलिनियर वेक्टर होते क्या है देखते हैं इसको। इससे पहले हम वेक्टर एल्जेब्रा का बेसिक पढ़ चुके हैं। वेक्टर एल्जेब्रा में आज पढ़ने वाले हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं वेक्टर हम भी पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं। एडिशन वेक्टर क्या होता है कोलिनियर वेक्टर के लिए देखते हैं क्या होता है। ये पहला वेक्टर भी हो सकता है कोलिनियर वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर भी कोलिनियर वेक्टर होते हैं। कोलिनियर वेक्टर और इसकी कंडीशन ये दो कंडीशन ही किसी भी वेक्टर के कोई दो वेक्टर में उनके कोलिनियर होने की कंडीशन मान लेते हैं। कंडीशन देखते हैं इसकी वो कंडीशन कौन कौन सी होती है और एक कोलिनियर वेक्टर इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे हमें डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि कोई भी दो वेक्टर दे दिए जाए वो कोलिनियर वेक्टर है या पैरेलल वेक्टर है या एंटी पैरेलल वेक्टर है और डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा इसका आउटकम बताइए आउटकम पता करना होगा। तो कोलिनियर वेक्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी कंडीशन देखते हैं कोई भी दो वेक्टर है अगर तो एफ अलग या तो वो सेम लाइन के तब भी वो कोलिनियर वेक्टर होंगे और वैसे भी हमें समझ आता है कोलिनियर वेक्टर अगर कोई भी दो वेक्टर सेम लाइन में हो तो वो कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो इसकी एक तो कंडीशन है सेम लाइन पे होगा तो वो कोलिनियर वेक्टर होंगे और अगर पैरेलल लाइन पे हो तब भी वो कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो ये दोनों कंडीशन है किसी भी दो वेक्टर के कोलिनियर वेक्टर होने के या तो वो सेम लाइन पे हो या पैरेलल लाइन पे हो तब भी वो दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर ही होंगे। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से ये कोलिनियर वेक्टर सेम लाइन वाले बात तो समझ में आती है। इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो अगर कोई दो वेक्टर सेम लाइन पे हो तब वो कोलिनियर वेक्टर होंगे ये बात तो हमें समझ आती है। पहले लाइन पे मुंह कोई दो वेक्टर तभी वो कोलिनियर वेक्टर होते हैं ऐसा क्यों होता तो इसको समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। तो ये एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कोई प्लेन सरफेस मान लेते हैं यहाँ यहाँ मान लेते हैं कोई बॉक्स रखा है और यहां से इसमें कोई फोर्स अप्लाई किया है एफ वेक्टर मैग्नीट्यूड कुछ भी हो मैग्नीट्यूड क्या भी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है इसका कोई फोर्स अप्लाई किया हमने जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस्ड हुआ। तो ये एफ वेक्टर इसकी डायरेक्शन ये इस वाली डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई इस वाली डायरेक्शन में हम कर रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन ये है और ये बॉक्स डिस्प्लेस हो गया अभी मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुंच गया ये बॉक्स अभी यहाँ था वो अब मान लीजिए डिस्प्लेस हो के यहाँ पहुंच गया यहाँ से इतना ही डिस्प्लेस हो गया यहाँ तक तो ये है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये दोनों वेक्टर इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है और ये एक ही लाइन पे ये दोनों वेक्टर होंगे कोलिनियर वेक्टर
डायरेक्शन से हमें और दोनों एक ही लाइन पे हैं। तो इस टाइप के जो ये जो वेक्टर है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होंगे कोलिनियर वेक्टर। और कोई भी वेक्टर है उसको हम कोलिनियर वेक्टर का कोलिनियर वेक्टर कब नहीं बोलेंगे, तो ये वाली कंडीशन जो है ये दोनों कंडीशन में तो होंगे कोलिनियर वेक्टर। अब अगर एक और एग्जांपल कंसीडर करें इसी सरफेस पे हम मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, यहाँ कोई बॉक्स रखा है, ये कोई बॉक्स रखा है और यहाँ से हम मान लेते हैं काफी भारी है, ये बॉक्स काफी भारी है और यहाँ से जिस वाली डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं कोई यहाँ से कोई स्ट्रिंग बनी हुई है, कोई रस्सी बांधी हुई है यहाँ से, इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिस वाली डायरेक्शन में और ये काफी भारी है, इसको उठाने की कोशिश करते हैं, ये स्ट्रिंग से बना हुआ है यहाँ, तो क्या होता है ये डिस्प्ले हो जाता है इसी सरफेस पे इस टाइप से, ये ऊपर की साइड नहीं होता है क्योंकि इसका भार काफी ज्यादा है मान लेते हैं। तो फोर्स तो अप्लाई किया हमने एफ वेक्टर की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है और ये डिस्प्ले जो इस वाली डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ जाएगा थोड़ा सा खिसक जाएगा इस टाइप से, ऊपर की साइड नहीं उठेगा जहाँ इस वाली डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आगे की ओर खिसक जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये और ये दोनों से अप्लाई करनी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस वाली डायरेक्शन में, तो ये जो कंडीशन है इसमें ये वेक्टर कोलिनियर वेक्टर नहीं होते हैं, ये जो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये दोनों इस वाली कंडीशन में कोलिनियर नहीं होते। तो कोई भी दो वेक्टर जब वो सेम लाइन पे हो तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होते हैं। अब बात आती है पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कैसे होते हैं इसको समझने की बात आती है, तो इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ ये मान लेते हैं एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं है। यहाँ कोई एक वेक्टर की नजर की ये ए वेक्टर है और यहाँ कोई वेक्टर मान लेते हैं बी वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन अभी सेम ही है, डायरेक्शन सेम है इन दोनों ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर अगर सेम लाइन पे हैं मान लीजिए ये वेक्टर यहाँ है और बी वेक्टर यहाँ है ना, और ये दोनों वेक्टर अगर सेम लाइन पे हैं तो फिर दूसरी बात ये दोनों कोलिनियर वेक्टर होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम लाइन पे हैं। लेकिन अब हम इस b वेक्टर को क्या करें, यहाँ से कॉपी करके b वेक्टर को यहाँ रख देते हैं मान लेते हैं, ना तो हमने उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज की और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, सेम कॉपी कर दिया, जितनी लेंथ यहाँ पे इस एरो की है और एक्चुअल में एक एरो की इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगी इस एरो की लेंथ, तो यहाँ पे दोनों की लेंथ भी सेम है, हम मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं और डायरेक्शन भी सेम है और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम है और सिमिलरली होने से इसको पैरेलल होता कि यहाँ रख दिया नीचे, तो ये दोनों हो गए दूसरे के पैरेलल और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो जिस टाइप का बात ये यहाँ रहने कर रहा है सेम बात की वो यहाँ करने वाला है, तो इस वाली कंडीशन में इसमें कोई चेंजेशन नहीं आ रहा, तब ये दोनों वेक्टर भी वेक्टर ए और वेक्टर बी इस वाली कंडीशन में अभी ये दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे और पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर, तो इस वाली कंडीशन में ये दोनों होते हैं पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर कब होते हैं। अब मान लेते हैं इसका हमने ये कोई एक और वेक्टर मान लेते हैं कोई वेक्टर सी यहाँ वाली लाइन ये है कोई वेक्टर सी, अब इस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट कोई ए वेक्टर और सी वेक्टर की बात करते हैं हम, ए वेक्टर और सी वेक्टर इन दोनों को कंसीडर करके चलते हैं,
अभी इस बी वेक्टर को भूल जाओ, मान लेते अभी ये बी वेक्टर नहीं है, ये ए वेक्टर और सी वेक्टर की बात करते हैं, तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस वाली कंडीशन में ये दोनों होते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर इस टाइप की डायरेक्शन अपोजिट है। और अगर इसको भी हम इस टाइप से लीजिएगा कॉपी कर रहे हैं, मान लीजिए डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो डायरेक्शन इसकी यहाँ है सेम लाइन सेम डायरेक्शन हमने यहाँ रख दी, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की क्योंकि ये ए के अपोजिट यहाँ था और ए के अपोजिट डायरेक्शन ही इसकी यहाँ वेक्टर सी की, और इसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे सेम है, जितनी लाइन से आपकी यहाँ थी सेम लाइन यहाँ, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया, तो ये यहाँ पे जिस टाइप की बात कर रहा था यहाँ भी उसी टाइप की बात करेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में हमने इसकी सेम रखा। तो इस वाली कंडीशन में ये दोनों वेक्टर जो ए वेक्टर और सी वेक्टर होंगे ये दोनों होते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, और पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर ये दोनों ही कोलिनियर वेक्टर होते हैं। यही है कोलिनियर वेक्टर, आई होप कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।